ऑल आइज ऑन राफा इंस्टाग्राम पर क्यों कर रहा है ट्रेंड? ऑल आइज ऑन राफा आखिर है क्या? क्या भारत में सारी समस्याओं का हल हो चुका है? क्यों आधा भारत अपनी अपनी समस्याओं को छोड़कर गाजा पहुंच गया है? आइए आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। हुआ यूं कि गाजा के सबसे दक्षिणी शहर में 3 सप्ताह से चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार को पहली बार इजरायली टैंक राफा के सेंटर में पहुंच गए। दुनिया भर में लोगों ने इसकी निंदा की। वहां रहने वालों ने मीडिया फर्म राइटर्स को बताया कि टैंकों को अल अब्दा मस्जिद के पास देखा गया, जो सेंट्रल राफा का एक ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि राफा में उनका ऑपरेशन जारी है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि रात भर इजरायली सेनाओं ने हवाई हमलों और टैंक की गोलाबारी से शहर को तबाह कर दिया। रविवार को हुए हमले पर पूरी दुनिया में फैले गुस्से के बावजूद उन्होंने अपने हमले को दबा दिया, जिससे एक टेंट कैंप में आग लग गई, जिसमें कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें से आधे से अधिक बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे। हमास आतंकवादियों की तरफ से चलाए जा रहे एनक्लेव के अधिकारियों ने कहा कि उस हमले के बाद से राफा में इजरायली गोलाबारी में कम से कम 26 और लोग मारे गए हैं। इजरायली टैंक पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़े और रात में लगातार बमबारी करते हुए पश्चिमी राफा में जुरूब पहाड़ी की चोटी पर पोजीशन ले ली। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने जुरूब क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच गोलाबारी के बारे में बताया। आपको बता दूं कि फालिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने बीते साल 7 अक्टूबर को गजा पट्टी से इसराइल पर अभूतपूर्व हमला करते हुए 1200 लोगों को मारने के साथ ही 240 लोगों को अगवा किया था। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला दोनों ही तरफ से जारी है। इसराइल में एक फेस्टिवल के बीच में ही हमास के आतंकी लड़ाके आसमान से उतरते हैं और वहां नरनसंहार करते हैं। कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और अपने यहाँ बंधक बना लेते हैं, जिसके जवाब में इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी करता है और फालिस्तीनी लड़ाकों को खदेड़ देता है, जिसके बाद से फालिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध और तीव्र हो जाता है और इसमें एक के बाद एक लोगों की जान जानी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में रोष व्याप्त हो चुका है और पूरी दुनिया दो धड़ों में बच चुकी है। एक धड़ा वो है जो इजराइल को सपोर्ट करता है, यहूदियों को सपोर्ट करता है और इजराइल के इस एक्शन में पूर्ण रूप से उसके साथ है। दूसरा धड़ा वो है जो पालिस्तीन के साथ खड़ा है और इस धड़े में ज्यादातर अरब देश है और मुस्लिम बाहुल्य देश है। तो ऐसे में आकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है, सोशल मीडिया भी दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर ऑल आईज ऑन राफा का ट्रेंड चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक और ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें देखा जा सकता है वेयर यू वर ऑन 7th of October। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला करा था, तब आप कहां थे? 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया, उसके जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमला भी किया। हमास नियंत्रित सरकार के मुताबिक गाजा पट्टी में अब तक लगभग 14,500 लोगों की मौत हो चुकी है। पर हजारों किलोमीटर दूर चल रहे इस युद्ध से भारत के सोशल मीडिया पर मानो राफा के नाम को लेकर बारिश आ गई। हमास और इसराइल के युद्ध में भारत के लोग कुछ इस कदर कूदे हैं जैसे युद्ध यहीं भारत में हो रहा हो, जबकि इनके आसपास भारत में ही ऐसे अनेकों हादसे, मुद्दे रोज होते हैं जिन पर ना तो कोई ध्यान देने वाला है ना कोई देखने वाला, क्योंकि शायद ये इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है, क्योंकि शायद वो सोशल मीडिया के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं है, या शायद अभी वो मामले भेड़ चाल चलने वाले सोशल यूथ के सामने आए नहीं, या फिर बाहर की दुनिया के मुद्दे भारत के मुद्दों से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। जैसे बागपत जिले के कैंसर वाले गांव, जहां लोग नाले के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कौन करेगा इसकी बात?
क्या इसका सोशल मीडिया ट्रेंड बनाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। दिल्ली के विवेक विहार में स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में शनिवार रात आग लग जाना, आग लग जाने से 7 नवजातों की मौत हो जाना। इस मामले में कई बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कौन करेगा इसका जिक्र? कौन दिलाएगा उन गुनहगारों को सजा जिनकी वजह से ये मासूम मौत के गाल में समा गए? गुजरात में राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से अब तक लगभग 28 लोगों की मौत हो गई है, इसका जिक्र कौन करेगा? आखिर इसके जिम्मेदार लोग कौन थे? चूक कहां हुई? इन सब की बात कौन करेगा? अपने लोगों का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा ही बिहार के पटना में दिन दहाड़े एक छात्र की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, इस बात को कौन उठाएगा? उस छात्र के लिए कौन इंसाफ मांगेगा? यह बहुत अच्छी बात है कि हम दुनिया के एक कोने में बैठकर उस कोने की बात कर रहे हैं जहां आज मौतों की चीख पुकार मची हुई है, जहां लोग अपनी जिंदगी के लिए त्राही मांग हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो भी युद्ध के हालात वहां बने हुए हैं वो मात्र एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, उससे कहीं बढ़कर होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो भी युद्ध के हालात वहां बने हुए हैं वो उन दोनों देशों की कुछ गलतियों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हैं, और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं बढ़कर है? और जब आप सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर बात कर ही रहे हो तो फिर अपने देश के मुद्दों को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? हमें इन्हें भी उसी ताकत के साथ उठाना चाहिए जिस ताकत को ये मुद्दे डिजर्व करते हैं। इनके बारे में कौन बात करेगा? मैं ये नहीं कहता कि जिराफा की आवाज उठाना या कहीं और की बात करना गलत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। पर पहले अपना घर देख लीजिए भाई। दुनिया के हक की लड़ाई आप तब लड़ पाएंगे और लड़ना भी आपको तब शोभा देगा जब आप अपने घर को थोड़ा सुरक्षित और अच्छा बना लेंगे। ये जब तक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बनेगा तब तक कोई सुनेगा नहीं। क्या दुनिया के मुद्दे अपने खुद के देश से बड़े हो चुके हैं? ना जाने रोज इस 150 करोड़ की जनता वाले देश में कितना गलत, कितना अन्याय, कितना अत्याचार होता है, उसकी बात कौन करेगा? भाई आप करेंगे, आप युवा हैं, आप भविष्य हैं, सोचिएगा जरूर। जाते जाते ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं कि इस देश की बात कौन करेगा, सोचिएगा जरूर।